हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आज से मैं आपको सिखाऊंगा 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीज, शुरू करने से पहले आपने ये स्लोगन पढ़ा ही होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। हेल्थ क्या है? हाँ, हेल्थ को ही वेल्थ क्यों बोलते हैं? जैसे कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बट आपका हेल्थ ठीक ना हो, तो उस पैसे का कुछ मतलब नहीं निकलता, राइट। हेल्थ ही सब कुछ है हमारा। हाँ, सो अभी हम सीखेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। हाँ, हेल्थ क्या होता है? ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन दिया गया है, हाँ उसे हम पहले पढ़ते हैं, फिर जानते हैं हेल्थ क्या है, राइट। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट द मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। ये क्या बोल रहा है? हेल्थ क्या है? स्टेट, एक स्टेट बताता है कि बंदा कंप्लीटली फिजिकल है, मेंटल दिमाग से भी फिजिकल है, हाँ दिमाग से भी स्ट्रांग है, सोशल वेलबींगनेस सोशली एक्टिव है, हैं एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। जिस बंदे को शरीर में कोई डिसीज नहीं है, हाँ फिजिकली स्ट्रांग है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्दी पर्सन। उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्थ, राइट। समझे आप? अभी आगे देखते हैं हम, व्हाट इज डिसीज। डिसीज क्या है? बीमारियाँ क्या हैं? बराबर। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या? शारीरिक, हाँ, और साइकोलॉजिकल मानसिक। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज। ईच डिजीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। सिम्टम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्षण, राइट। तो क्या बोल रहा है? डिसीज क्या बोलता है? अगर हमारे शरीर में कुछ बीमारियां, राइट, जो फिजिकली शारीरिक और मानसिक है, हाँ उसे हम क्या बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं, राइट। और उसके अलग अलग लक्षण रहते हैं, हर एक डिसीज का अलग अलग लक्षण रहता है। समझे आप? बराबर। अभी आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ डिसीज। डिसीज के भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं। हर इंसान को आजकल तो नॉर्मली है, हर इंसान को डिसीज कुछ ना कुछ रहता है, बॉडी में कुछ ना कुछ डिसीज रहता है। तो इसके तो देखते हैं हम इसके प्रकार को, कितने टाइप के डिसीज है। हाँ, यू मस्ट पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ वेरियस डिसीज लाइक डायबिटीज। डायबिटीज डिसीज आपने सुना ही होगा। ये कैसे, मतलब बॉडी में कैसे होता है? जब बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है, हाँ राइट, तो उस इंसान को डायबिटीज हो जाता है। हाँ, कॉमन कोल्ड। अभी कॉमन कोल्ड किसे बोलते हैं? अभी तो बारिश का सीज़न आ गया है, हाँ, तो अभी देखो हर घर में किसी न किसी को सर्दी खांसी, ये तो नॉर्मल है, होना ही है। अस्थमा। अस्थमा क्या है? जिसको सांस लेने लीवर में कुछ बीमारी हो जाती है, जिससे बंदा सांस अच्छे से नहीं ले पाता, राइट, उसे हम बोलते हैं अस्थमा। डाउन सिंड्रोम्स, हाँ, एंड हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज किसको बोलते हैं? हाँ, जिस बंदे के शरीर में, हाँ मीन्स हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन या बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगे, हाँ, और हार्ट में हार्ट तक ब्लड पहुँच ना सके, उससे हम क्या बोलते हैं? हार्ट डिसीज। जैसे हमने देखा टाइप ऑफ डिसीज क्या होते हैं, हाँ अभी हम लोग देखते हैं ये टाइप ऑफ डिसीज का फ्लो चार्ट है। बराबर। फ्लो चार्ट ये बताता है, मतलब फ्लो चार्ट मतलब क्या? डायरेक्शन बताएगा, मतलब कैसे क्या होता है, हाँ उसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। बराबर। तो फ्लो चार्ट के अंदर पहला जो स्टेप है, हाँ मतलब स्टेप्स बताता है, हाँ तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, पहला जो स्टेप है टाइप्स ऑफ डिसीज का अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, दूसरा स्टेप से अकॉर्डिंग टू रीजन, हाँ समझे। तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन मतलब क्या? फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, कुछ टाइम के लिए ये बीमारी रहती है, और अकॉर्डिंग टू रीजन इसे हम क्या बोलते हैं? किसी कारणवश आने वाली बीमारियाँ, हाँ उसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन। रीजन कुछ रीजन के वजह से बीमारियाँ जो आती हैं शरीर में, उसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन। जो पहले स्टेप में दिया गया है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, उसका जो पहला पार्ट है, हाँ पहला पार्ट क्या है? क्रोनिक डिसीज़। अभी ये क्रोनिक डिसीज़ क्या होता है? हाँ तो मैं बताता हूँ क्रोनिक डिसीज़ क्या होता है। इसे बोलते हैं बहुत टाइम
तक चलने वाली डिसीज़, हाँ, जो डिसीज़ बहुत टाइम तक चलती है। अभी किसी पर्सन को वो बीमारी मतलब महीने सालों भर तक चलती चलती रहती है, उस डिसीज़ को हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज़, समझे। फिर दूसरा जो है एक्यूट डिसीज़, हाँ, एक्यूट डिसीज़ मतलब क्या, बहुत पुरानी डिसीज़, बहुत पुरानी डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ मतलब बहुत पुरानी डिसीज़, मतलब जिस व्यक्ति को पुरानी बहुत देर तक चलती हुई बहुत पुरानी डिसीज़ है, हाँ, उसे हम बोलते हैं एक्यूट डिसीज़। अभी जो टाइप ऑफ डिसीज़ का सेकंड पार्ट है अकॉर्डिंग टू रीजन, इसमें भी दो दो पार्ट में डिवाइड किया है, हेरिडिटी डिसीज़, क्या हेरिडिटी डिसीज़, और दूसरा पार्ट है एक्वायर्ड डिसीज़। हेरिडिटी डिसीज़ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जो डिसीज़ जनरेशन टू जनरेशन चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी डिसीज़, क्या जो डिसीज़ जनरेशन टू जनरेशन चलती है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी डिसीज़। एग्जांपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर समझो आपके नाना नाना को डिसीज़ है, फिर आपके दादा, फिर परदादा, जो ब्लड रिलेशन दिखाता है, क्या दिखाता है, ब्लड, क्या दिखाता है, ब्लड रिलेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी डिसीज, समझे। अभी हम देखेंगे एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज में भी दो पार्ट है, क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब क्या, कुछ तो आपको भी आइडिया आ रहा होगा इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है। अभी देखो कैसे मैंने बताया, कॉमन कोल्ड, अभी बारिश के टाइम में क्या, कॉमन कोल्ड तो सिंपल है, सबके घर में कोई ना कोई मिलेगा ही, हाँ, कि खांसी सर्दी, हाँ, तो नॉर्मल होगा ही, हाँ। तो अभी फिर दूसरा क्या है, फ्लू जो होता है, खांसी सर्दी बुखार वो सब, हाँ, डेंगू क्या, अभी बारिश के टाइम में मच्छर भी ज़्यादा मिलेंगे, इसके वजह से क्या टाइफाइड होगा, ज़्यादा बीमारी फैलेंगी, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होता है, हाँ, जो मतलब जो बीमारी खुद में बॉडी में पाई जाती है, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़। डायबिटीज़ तो मैंने आपको बताया कैसे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, हाँ, बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। एंड हार्ट डिसीज़, हार्ट डिसीज़ तो बताया, जैसे कोई हार्ट अटैक आ रहा है किसी के बॉडी, अभी जो पर्सन के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, हार्ट तक वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ, उससे क्या हो जाता है, हार्ट डिसीज़ हो जाता है, राइट। तो अभी नेक्स्ट, अभी इसके बाद में हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।